देवरिया में ऑटो चलाने वाला का बेटा जमशेद अली नाम का लड़का नीट यूजी का पेपर निकाल कर देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया, अपने माँ बाप का मान और सम्मान बढ़ा दिया। अभी मिठाई उठाई खिलाए हैं कि नहीं गांव वालों को? अभी तो खिलाए हैं। खिलाए नहीं है, कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, खिला देंगे। खिला देंगे, अभी खिलाए। कुछ तो ये हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं जब सुना कि मेरा बच्चा नीट यूजी में पास हो गया है, मैं पास होने के दम पर हम लोग हमारे और हमारी बीवी का आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था। ऑटो चलाने वाला का बेटा नीट यूजी का पेपर निकाल कर जिले का देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। हौसला को और बुलंद करने के लिए और आगे लड़ाई लड़ने के लिए जब न्यू स्पीड के टीचर यहाँ, वो भी टीचर ही है, नीट यूजी की तैयारी करने के लिए लोग कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे, लखनऊ जाते थे, नोएडा जाते थे, लेकिन जिले का न्यू स्पीड ये काम कर रहा है कोटा वाला। क्योंकि अब न्यू स्पीड जैसे इंस्टीट्यूट देवरिया में है, ऐसे बच्चों को तैयार करा रहे हैं, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है। देवरिया के लाल ने कर दिया कमाल, देवरिया का लाल ने देवरिया का नाम और सम्मान बढ़ा दिया, देवरिया के लाल ने नीट यूजी का पेपर निकालकर अपने गांव का, अपने माँ बाप का और अपने जिले का नाम रोशन कर दिया। जमशेद अली है, अली नाम है इनका, और भाई साहब ने पूरे गांव में अपना नाम परिश्रम लहरा दिया पूरे जिले में। तो पहले तो जमशेद जी आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। ये मतलब कहाँ से मन आया कि नीट यूजी का तैयारी करना चाहिए और आज आप निकाल लिए? बेसिकली जब क्लास नाइन्थ स्टार्ट किया था अपना जर्नी, तो उसके बाद मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि नीट क्या होता है, मेडिकल फील्ड क्या होता है। तो मेरा भाई था तो उसने बताया कि मतलब मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट रख रहा था, लेकिन जब कहा कि बायो थोड़ा बढ़िया मेडिकल कॉलेज जाओगे जी, तो वहाँ का अलग फैसिलिटी है मैथ के कंपेयर में, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बायो की तरफ बढ़ता गया। उसके बाद कहा कि नीट ये होता है, उसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है, तो उसने सारा मुझे बताया कि कैसे क्या करना है। हालांकि वो मैथ से था, फिर भी उसने बहुत सपोर्ट किया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना होगा, तो मैंने बस उसको फॉलो करता गया और बस। अच्छा, बचपन से ही मतलब बचपन में मन नहीं था ये सब करने का, ये बाद में ख्याल आया कि ऐसा करना चाहिए और डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहिए। मतलब आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 6 लोग। अभी मिठाई उठाई खिलाए हैं कि नहीं गांव वालों को? अभी तो खिलाए हैं। खिलाए नहीं है, कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, खिला देंगे। खिला देंगे, अभी खिलाए नहीं है। अच्छा, अभी मतलब महसूस कैसा हो रहा है? पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल होगा, गांव में चर्चाएं बढ़ गई होंगी, जिले में भी आपकी अब चर्चा होने लगी है, क्योंकि हमारी टीवी समाचार की टीम खास तौर से आपसे मिलने आई है। तो बस ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब आप तैयारी कहाँ से करते थे, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। टीचर कौन थे जो आपको पढ़ाते थे और आज आप नीट यूजी का पेपर निकाल दिए? जब आफ्टर क्लास 11th की मैंने एंट्रेंस दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जी, तो उसको क्लियर करके मैंने 11th 12th वहाँ से कंप्लीट किया। तो अपीयरिंग में मैंने अटेम्प्ट किया था नीट, तो कुछ मार्क्स से बच गया, तो उसके बाद मैंने आ गया देवरिया और मैंने ज्वाइन कर लिया न्यू स्पीड। अच्छा, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन वगैरह सारा उन्हीं से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा भी कुछ इंस्टीट्यूट है क्या देवरिया में, न्यू स्पीड? जी। अच्छा, न्यू स्पीड पहली बार आप ज्वाइन किए थे देवरिया का? जी। अच्छा, ऐसे इंस्टीट्यूट तो कहा जाता है कि जो नीट का तैयारी करेगा वो कोटा जाएगा, दिल्ली जाएगा, लखनऊ जाएगा, कोलकाता जाएगा, लेकिन जिले में भी ऐसा कुछ है क्या देवरिया में? जी, जो न्यू स्पीड है उसकी जो एजुकेशन फैसिलिटी है, जो यहाँ के जो टीचर हैं वो वेल एक्सपीरियंस टीचर है, उनकी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है उनकी, जैसे कि बहुत सारे टीचर खान सर हो गए, हमारे सौरभ सर हो गए, ये सब लोग मतलब एक्सेलेंट टीचर, लीजेंड कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये नहीं कि कोटा जाने के बाद ही कोई नीट क्लियर करेगा, ऐसा हाँ। कोई नहीं है। अगर आपके फैकल्टी में बढ़िया टीचर मिल जाए जो गाइड करने वाले होते हैं, ये लोग बहुत हेल्पफुल तरीके से गाइड करते हैं, ये नहीं कि केवल टीच करके चले जाए, वो नहीं होती है, गाइड करते हैं हम लोग को कि कैसे अपना मोटिव कैसे करना है, मोटिवेट भी करते रहते हैं। हर टेस्ट के बाद जो होता है कि क्या तुम कैसे कहाँ गलती किए, उन पे उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है और पढ़ाते तो। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय किस टीचर पे देना चाहेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप भी हैं, उसके बाद जो हैं प्लस में टीचर हैं, तो कौन ऐसे टीचर हैं जो आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा मेरा हेल्प किए हैं? जो एक
खान सर थे जिन्होंने बॉटनी पढ़ाया था हमको। अच्छा। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही कैजुअल था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि पढ़ा नहीं रहे हमको, दिखा रहे हैं वो चीज होते हुए। क्योंकि मैं बायोलॉजी मतलब मेडिकल फील्ड से जाना चाहता था, इस वजह से मुझे इंटरेस्ट भी था बॉटनी वगैरह जूलॉजी वगैरह में। तो वो टीचर बहुत ही हेल्पफुल नेचर के थे और हमेशा गाइड किया करते थे कि ऐसे किया करो ऐसे किया करो, सारा चीज उन्होंने बताया तो वैसे ही फॉलो करते गया, बस इसके बाद हो गया। अच्छा, कहते हैं कि थोड़ा सा हम हरिवंश राय बच्चन जी का, जैसे हर पंक्ति हर वीडियो में कभी कभी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच बोल ही देते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेद जी के पिताजी हैं, इधर भाई जी हैं। तो पिताजी, आपको तो बहुत बहुत बधाई, और आपका बेटा तो पूरे गांव में, जिले में, प्रदेश में नाम कर दिए हैं, तो अभी महसूस कैसा हो रहा है? महसूस तो ये हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं जब सुना कि मेरा बच्चा नीट यूजी में पास हो गया है, मैं पास होने के दम पर हम लोग हमारे और हमारी बीवी का आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था। अरे बाप, इतनी खुशी हुई हमको कि हम बता नहीं सकते कि मेरा लड़का इतनी गरीबी स्तर से हम लोग उठ के आए हैं कि गांव वाले लोग हंसते थे हम लोगों के ऊपर कि ये क्या देवरिया ले जाकर के पढ़ा रहा है, इसके मांगे कुछ है नहीं। लेकिन ऊपर वाले ने हमारा सुन लिया और मेरा बच्चा इतना मेहनत किया और मेहनत करने के बावजूद तब जाके हमको ये सफलता मिली है। अच्छा, हम लोगों को अल्फाज नहीं मिल रहा था कि हम लोग कुछ बयान करें। पिताजी, आप करते क्या हैं? हम ड्राइवरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं जी। भाई, ये तो सबसे बड़ा हेडलाइंस बनना चाहिए। वही ऑटो चलाने वाला का बेटा नीट यूजी का पेपर निकाल कर जिले का, देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए सर, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब हैं, आ जाइए थोड़ा सा। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आप न्यू स्पीड से आए हैं। अच्छा अच्छा, इन्हीं के जहाँ से ये पास हुए हैं, आप ही के इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई करते थे? हम लोग वहाँ से बच्चा था। तो मतलब क्या करने यहाँ, क्या करने आए? नहीं, बच्चे को हम लोग अपने तरफ से प्रोत्साहित करने आए हैं। हाँ, कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग 1 घंटे से हैं यहाँ पे। अच्छा, बताइए ना भाई, बधाई देने जो है कि टीचर चले आए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो बधाई देने नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हौसला को और बुलंद करने के लिए और आगे लड़ाई लड़ने के लिए जब न्यू स्पीड के टीचर यहाँ, वो भी टीचर ही हैं क्या? अच्छा, आप भी टीचर हैं। भाई साहब, आपके इंस्टीट्यूट का बच्चा है, ज़िले में नाम कर रहा है, अब चूँकि आप लोग का इंस्टीट्यूट है, तो महसूस कैसा हो रहा है? सबसे पहले तो मैं जमशेद को बधाई देना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि इनके पापा बता ही रहे हैं आपको, आपने सुना कि इतने गरीबी स्तर से उठ के एक ऑटो चलाते हैं इनके पिताजी, और उसके बाद भी ये बच्चा इतना कड़ी मेहनत करता है, तो एक दूसरे बच्चों के लिए वैसे ही इंस्पिरेशन है। और सारे बच्चे हम तो यही कहेंगे कि इनसे देख के सीखें कि भाई कैसे मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, 1 साल के कड़ी मेहनत में, क्योंकि 11-12 पढ़ने के बाद से बच्चा केवल 1 साल का गैप लेता है और नीट यूजी में और 720 के अंदर 670 मार्क्स लाता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग क्या, हम लोग के साथ साथ इन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत किया है और उसी का रिजल्ट है, रिजल्ट है। चूँकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नीट यूजी की तैयारी करने के लिए लोग कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे, लखनऊ जाते थे, नोएडा जाते थे, लेकिन जिले का न्यू स्पीड ये काम कर रहा है कोटा वाला। चूंकि अब भाई साहब लोगों का इम्प्रेशन बन चुके हैं, भाई साहब अब मोटिवेट करेंगे बच्चों को। जमशेद जी, जो बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है, वो भी आपकी तरह नीट यूजी का पेपर निकालना चाहता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? पहले तो कि उनको पहले अपने फोकस के प्रति एकदम डेडिकेशन होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं जाना चाहिए कोई बात में उनके, और अपने गोल के ऊपर 100% फोकस करे वो, और अपने फैमिली के सिचुएशन को देखने के बाद उसको ऐसा लगे कि अब करना ही है, बस करना है, उसके अलावा कुछ उसके माइंड में थॉट आना ही नहीं चाहिए। बिना किसी जो गोल निश्चित कर लिया उसको बस फोड़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक बार और आपको हेडलाइन बता दें, देवरिया में ऑटो चलाने वाला का बेटा जमशेद अली नाम का लड़का नीट यूजी का पेपर निकाल कर देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया, अपने माँ बाप का मान और सम्मान बढ़ा दिया। पिताजी ऑटो चलाते थे, लेकिन देखिए टीवी समाचार, जिले का हर वो बच्चा जब भी कभी आगे बढ़ता है, चाहे खेल कूद हो या पढ़ाई हो या कहीं भी वो आगे बढ़ता है, तो टीवी समाचार वहाँ सबसे पहले पहुँचती है। हालांकि टीवी समाचार जब आया यहाँ पे तो
न्यू स्पीड के दो टीचर मिल गए, बहुत अच्छा लगा कि भाई चलिए अब न्यू स्पीड जैसे इंस्टीट्यूट देवरिया में है ऐसे बच्चों को तैयार करा रहे हैं, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे देखिए टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है, टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखकर टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक ले लेते आपसे अलविदा, देखते रहे टीवी समाचार, नमस्कार।